साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। क्षेत्राधिकारी कैंप के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने आमजन से कराया वीकेंड लॉकडाउन का पालन। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचे, हो सकते हैं साइबर ठगी के शिकार। उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, रविवार को भी जमकर हुई बारिश। और मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में लगे वीकेंड लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों से पूछताछ की गई। वहीं आवश्यक कार्यों से निकले लोगों को जाने की अनुमति दी गई। साथ ही आमजन से यह अपील भी की गई कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क अवश्य लगाएं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी ने बताया। देखिए, वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे और संडे को वीकेंड लॉकडाउन है, उसके अलावा शाम को 7 से सुबह 7 तक बाकी 5 दिनों तक लॉकडाउन है। तो लोग जो हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं। आवश्यक सामग्री लेने हेतु आवश्यक सामग्री जैसे दवाइयों की दुकानें ही खुली हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि लॉकडाउन का लोग भलीभांति पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भी वजह सड़कों पर घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ मास्क की एवं अन्य चीज़ों की कार्रवाई की जा रही है और गाड़ियां भी सीज की जा रही हैं। और जो शहर के महत्वपूर्ण चौराहे हैं, जैसे जटेपुर चौकी हो गया, मोतीपुर हो गया, कूड़ाघाट चौराहा हो गया, रेलवे चौकी, कलेक्ट्रेट, इन पर सब जगह चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान लोगों को कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत जी चेकिंग के दौरान लगातार ये देखा जा रहा है कि लोग मास्क पहने हैं या नहीं। अगर किसी गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हैं तो चारों लोगों ने मास्क पहना है या नहीं। और लोग अगर किसी आवश्यक सामग्री लेने के लिए लाइन में लगे हैं तो उस लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, ये लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर अपराध से जुड़े मामले में लोग जब तक कुछ समझ पाते हैं तब तक उनकी जमा पूंजी गायब हो चुकी होती है। ऐसे में फेक आईडी के माध्यम से शातिर फेसबुक या व्हाट्सएप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपसे दोस्ती कर आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते आपके अकाउंट में रखी हुई जमा पूंजी पर हाथ साफ कर देते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान नंबर या अनजान व्यक्ति के फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए साइबर थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया। नया प्रचलन में आया है फेसबुक वाला अपराध, जिसमें रात में क्या होता है, किसी अनजान लड़की से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो मैसेंजर में मैसेज करती है, व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर मांगती है, फिर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती है और उधर से वो लड़की सेड्यूस पोजीशन में आकर विक्टिम या फिर जो भी लड़के होते हैं उनसे सेड्यूस पोजीशन में आने के लिए इंटीमेट करती है और थोड़ी देर बाद 30-40 सेकंड का वीडियो चलने के बाद वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है उधर से और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है कि आपने कुछ हमें सर्टेन अमाउंट 1,000-2,000 से स्टार्ट करते हूँ, आप पे करिए नहीं तो मैं आपका वीडियो जो है फेसबुक पे आपके परिचितों को भेज दूँगी या भेज दूँगा। हालांकि वो लड़के ही रहते हैं, वो बैक कैमरा करके आपका वो कोई ब्लू फिल्म रन कराते हैं जिसमें कई लोग शिकार हो जाते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि किसी भी अनजान लड़कियों की आप फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आती है तो उसको एक्सेप्ट ना करें और किसी भी अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल आता है तो उस पर भी आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। कई सारे मामले आए हैं, कई लोग शिकार होते हैं इसमें, बहुत मानसिक रूप से, पैसे तो हालांकि नहीं जाते हैं लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं उशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। सप्ताह भर से गर्मी से परेशान चल रहे लोगों को शनिवार और रविवार को ही बारिश से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने इसे मानसून से पहले की बारिश बताया है। रविवार को भी अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ जमकर रिमझिम बारिश हुई। जनपद को रक्त की कमी से मुक्ति दिलाने के लिए मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर जन सेवार्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मारवाड़ी सेवा समिति से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान कर आम लोगों के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। Thank you.
टेस्ट किया, देख लो नॉर्मल है। आपने सारे एजेंट को निकलने दी। डेटा देना पड़ता है। अच्छा, जो भी आपकी संस्था हो जिस ब्लड बैंक के माध्यम से कराना चाहती है वहाँ पे पत्र देगी। अच्छा, कि इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने बताया। समिति ने निर्णय लिया कि तत्काल हम व्यवस्था करके अपने सदस्यों के द्वारा अपने परिचितों के माध्यम से एक बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन करें, जिससे यहां पर रक्त की कमी दूर हो सके और लोगों को चिकित्सीय कार्य पूर्ण हो सके, इसलिए हम लोगों ने इसका आयोजन किया। हालांकि इस तरह के आयोजन हम सालों में हर साल करते चले आ रहे हैं, उसी क्रम में आज ये भी है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी समिति ने निर्णय ले रखा है, भविष्य के लिए भी ये समिति ने निर्णय ले रखा है कि किसी भी तरह से रक्तदान की आवश्यकता, रक्त की आवश्यकता इस शहर को जहां पे भी होगी, हम समिति कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में खड़े दिखाई देंगे। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्षेत्राधिकारी कैंप के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने आम जन से कराया वीकेंड लॉकडाउन का पालन। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचे हो सकते हैं साइबर ठगी के शिकार। उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, रविवार को भी जमकर हुई बारिश। और मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइकिल